हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस लास्ट लेक्चर ऑफ अ प्रेशर चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो है हमारा लास्ट चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, बैरोमीटर। तो वो क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट की बैरोमीटर मतलब होता क्या है, उससे जुड़ी हुई सारी चीजें को क्या करते हैं अंडरस्टैंड करने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं। तो चलो देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, कल जो हमारा टॉपिक था वो कौन सा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या हो रहा था, सिंपल कि जो एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, अर्थ सरफेस पे क्या कर रहा है, जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, उसे हमने क्या कहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसे हमने क्या किया, कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सहारे हमने देखा कि यहाँ पे आप लोगों को निकाल के दिखाई थी डायग्राम, उसके सहारे आप लोगों को समझाने की कोशिश की। बाद में एटमॉस्फेरिक इक्वल टू क्या किया था, मैंने यहाँ पे बोला था आप लोगों को, एक फॉर्मूला बनाया था कि फोर्स एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स अपॉन यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, आज जो है हमें क्या पढ़ना है, उससे थोड़ा सा आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको क्या करना है, पढ़ना है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, आपको एक्टिविटी बताई हुई है, मतलब एक बताया हुआ है कि एग्जाम्पल दिया हुआ आपकी किताब में, जिसमें क्या बोला हुआ उन्होंने, इस तरह की डायग्राम आप लोगों को क्या है, गिवन है। ठीक है, अब देखो इसमें उन्होंने कहा ऐसा है कि इमेजिनरी कंडीशन ऐसी ली हुई है कि एक जो आपके जो एक ट्यूब है, उस ट्यूब को क्या करना है, आप लोगों को पकड़ना है, जो कि इस तरह से होगी, और उसको क्या करना है, ऊपर रखना है, कहाँ पे, और सरफेस से आपने रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इसमें अंदर क्या है, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, ऐसे मान के इमेजिनरी कंडीशन उन्होंने क्या की है, मानी हुई है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा माना कि ये क्या है, इसमें क्या है, सारी की सारी क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ गैसेस अवेलेबल है। ये क्या है, सरफेस एरिया है अर्थ का, बराबर, कुछ यूनिट सरफेस एरिया है आपका अर्थ का, ये क्या है, समझ लो यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया है अर्थ का। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, उन्होंने कहा ये है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, बराबर है, तो यही क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अर्थ सरफेस है, यूनिट अर्थ सरफेस, और ये कुछ गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, मतलब ये गैस मॉलिक्यूल और सरफेस पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, मतलब वही क्या हो जाएगा, हम उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का उन्होंने क्या लिख दिया, देखो यहाँ पे फॉर्मूला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही, मतलब लेकिन उसको इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक कंटेनिंग यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। मतलब उन्होंने इस कहा कि सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मतलब क्या हो रहा है, जो एग्जर्ट होगा, कि जो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये गैसेस है इतनी, ये क्या है, यूनिट एरिया पे जितना फोर्स एग्जर्ट कर रही है वही क्या होगा, उतना ही होगा, बराबर है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम नहीं आ रहा है। देखो फोर्स प्रेशर मतलब क्या हो गया, सिंपल प्रेशर कितना आएगा स्टूडेंट, कि जितना कि ये जो आपकी गैसेस है इसमें, वो गैसेस क्या कर रही होगी, इस यहाँ पे ये इतना यूनिट सरफेस एरिया पे क्या कर रही है स्टूडेंट, कुछ फोर्स एक्ट कर रही है, और जितना फोर्स एक्ट कर रही है उतना ही क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है स्टूडेंट, बराबर है, मतलब वही उन्होंने क्या किया है, सिर्फ वर्ड फॉर्म में क्या है, लिखा हुआ है, दोनों का मीनिंग सेम है, फोर्स एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक कंटेंट इन यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, बराबर है, मतलब ये जो है आपका, उसने पकड़े हुए जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है वही क्या है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको इक्वल्स टू और बोला हुआ है, देखो वेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस कंटेन इन यूनिट सरफेस ऑफ द अर्थ, बराबर है। देखो अब ये जो गैसेस होंगी स्टूडेंट्स, इस गैसेस का जो वेट होगा, बराबर है, वेट कहां पे एक्ट होगा, इस यूनिट सरफेस एरिया पे, वेट कहां पे एक्ट होगा, यहां इस यूनिट सरफेस एरिया पे क्या होगा, एक्ट होगा, मतलब W इक्वल टू क्या होता है, mg, बराबर है, तो g क्या होगा, यहां पे नीचे खींच रहा है, मतलब ये यूनिट सरफेस एरिया है, इसी पे क्या कर रहा होगा, उसका वेट क्या कर रहा होगा, वेट मतलब भी क्या है, सिंपल फोर्स है, वेट मतलब भी क्या हो रहा है, यहाँ पे उनका फोर्स चल रहा है, वो फोर्स क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो क्या है, क्लोज सरफेस है, तो ये जो गैसेस है उसका जो वेट होगा वही क्या होगा, प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप लोगों को ये सिंपल फॉर्म में लिख के दिया हुआ है, तीनों की कंडीशंस की मीनिंग क्या होगी, सेम ही है। एटमॉस्फेरिक, फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखो कि फोर्स एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक गैस कंटेन इन यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, मतलब ये जो आप लोगों की गैसेस कंटेन है, वो जो फोर्स एक्ट कर रही है वही क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, अदरवाइज क्या, वेट ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस कंटेन इन यूनिट सरफेस एरिया, मतलब ये जो आपकी गैसेस है उसका जो वेट होगा यूनिट सरफेस एरिया में जो कंटेन है वो भी क्या होगा, इक्वल्स टू क्या ही होगा, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, इक्वल्स होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब सारे के सारे का मीनिंग क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, बराबर है। देखो अब क्या है, उन्होंने ऐसा बोला, समझ लो ये अर्थ सरफेस है,
ये अर्थ है, बराबर है ये, हाँ ये अर्थ है, समझ लो ये अर्थ का सरफेस है। अब यहाँ से कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है, ये देखो ये फोर्स एक्ट हो रहा है पर यूनिट एरिया पे। अगर ये फोर्स एक्ट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसे क्या बोलूंगा मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि अर्थ सरफेस पे क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है, सॉरी प्रेशर एक्ट हो रहा है, बराबर है। मतलब क्या हो रहा है, फोर्स ही एक्ट हो रहा है सरफेस पे, क्या हो रहा है पर यूनिट एरिया पे फोर्स एक्ट हो रहा है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये फोर्स क्या है, जितना फोर्स होगा उतना ही क्या होता है, प्रेशर होता है, बराबर है। जितना प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स है स्टूडेंट, बराबर है। मतलब जितना फोर्स है उतना ही क्या होगा, प्रेशर होगा, बराबर है। मतलब फोर्स जितना है, फोर्स एग्जर्टेड मतलब फोर्स जितना उतना ही क्या है, प्रेशर है। तो उतना ही फोर्स एग्जर्टेड गैस मॉलिक्यूल कर रहे, उतना ही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद देखो ये जो फोर्स है, समझो अब ये फोर्स क्या हो गया, सिंपल इसका वेट ही हो गया ना। मतलब ये कौन सा फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है। और इस गैस मॉलिक्यूल का वेट जो होगा m into g, मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो फोर्स मैंने पकड़ा था वो फोर्स कौन सा हो गया, नथिंग बट वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स से मतलब क्या होता है, वेट ऑफ द दिस गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स का वेट है वही क्या है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्योंकि वेट ही क्या हो गया हमारा, फोर्स हो गया। और फोर्स किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के साथ। तो प्रेशर के साथ रिलेशन है, मतलब क्या हो रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया, ये सारी की सारी कंडीशन आपको क्या कर दी, एक सेंटेंस में क्या कर दी, बता दी कि तीनों का मीनिंग क्या चल रहा है, सेम, और तीनों की वैल्यू क्या आएगी आप लोगों की, सेम ही आने वाली स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स उन्होंने एक और बताया हुआ है, ये जैसे कि हाँ ये बताया उन्होंने कि जैसे आप लोग जान चुके हो कि गैस भी क्या कर रही है, एग्जर्ट कर रही है प्रेशर। तो उन्होंने कहा कि एयर जो है हमारे बॉडी के अंदर भी क्या है स्टूडेंट्स, एयर प्रेजेंट है, बराबर है। हमारे बॉडी के अंदर भी क्या है, एयर प्रेजेंट है। तो हमारे बॉडी में जो अंदर एयर प्रेजेंट है वो भी कुछ ना कुछ क्या कर रही होगी, प्रेशर क्या कर रही होगी, एग्जर्ट कर रही होगी स्टूडेंट, बराबर है। प्रेशर क्या कर रही होगी, एग्जर्ट कर रही होगी। तो वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, बराबर है। तो स्टूडेंट्स उन्होंने ऐसा कहा है, और ऐसा देखो ऐसा ही होगा, क्यों, क्योंकि देखो हमारी बॉडी क्या करती है, सेम प्रेशर एग्जर्ट कर रही है जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, सॉरी एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तभी तो क्या होता है, दोनों सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली फील कर रहे हैं, बराबर है। तभी तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो गैस है वो क्या है, एक इक्वल प्रेशर एग्जर्ट कर रही है हमारे सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर। अदरवाइज आप देखो आप क्या होते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाओगे, बराबर सब लोगों को पता है जो क्या है आप लोगों का, हम जहां पे नीचे होते हैं तो वहां पे क्या है, एटमॉस्फेयर क्या जाता है। मतलब जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे तो गैस का परसेंटेज क्या होता है, कम होता है। तो जैसे ऊपर चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, गैस जो है कम मिलेगा, बराबर है। मतलब गैस मॉलिक्यूल्स अगर कम हो गए तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। तब हमारे क्या है, हमें कैसा फील होता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होना शुरू होता है। जिस तरह से हम अगर कोई चढ़ाई चढ़ रहा है, मतलब माउंटेन पर चढ़ रहा है वगैरह, तो हमें क्या होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है ज्यादा, हमें क्या लगता है, सांस लेने की क्या होते हैं, जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या है, रीजन है हमारे एटमॉस्फेरिक के बारे में, वही यहाँ पे आप लोगों को क्या हो रहा है बताया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइम देनी है कि जो हमारे बॉडी में एयर इनसाइड है तो वो क्या कर रही है, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या कर रही है, किसके बराबर, तो इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हमारे सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है वो जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसी में क्या कर रहा है, उतना ही क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में जो एयर है वो भी क्या कर रही है, उतना ही क्या कर रही है, प्रेशर क्या कर रही है स्टूडेंट्स, एग्जर्ट कर रही है, ठीक है। तो ये बात थी किसके बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, कुछ नहीं बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे हमने पढ़ लिया अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है स्टूडेंट्स, तो ये मेजर कैसे करते हैं, बराबर मेजर करना पड़ेगा। तो एटमॉस्फेरिक किस तरह से मेजर करते हैं कि हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स एक क्या होता है, एक डिवाइस होता है, और जिस डिवाइस का नाम क्या है, बैरोमीटर। उस डिवाइस का नाम क्या है, बैरोमीटर, देखो। और वो किस लिए काम आता है, तो यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होगा स्टूडेंट्स, तो बैरोमीटर। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, आप देखो बैरोमीटर कैसे ध्यान में रखना है, मैनोमीटर और बैरोमीटर दोनों नाम सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे बैरोमीटर मतलब बार आ रहा है, बार। और बार जो होता है वो किसका यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट है। लेकिन देखो बैरोमीटर जो होता है मोस्टली इस बार जो यूनिट क्रिएट किया गया है किसके लिए, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। देखो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कन्वर्जन लिखा हुआ है,
वन बार इक्वल टू कितना हो रहा स्टूडेंट, 10^5 पास्कल। देखो मतलब वन बार ये कितना छोटा पड़ रहा है, जो आप लोगों की वैल्यू आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो बार्स में आती है। मतलब अगर हम वो पास्कल में अगर गिनते तो पास्कल में वो वैल्यू क्या होती, बहुत बड़ी हो जाती स्टूडेंट, क्या होती, बहुत बड़ी हो रही थी। और वो जो बड़ी वैल्यू थी उससे क्या कैलकुलेशन में क्या हो रही थी, डिफिकल्टी। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, एक मेट्रिक यूनिट बना दिया बार, और उस बार को क्या कर दिया, इसके साथ रिलेट करके एक कन्वर्जन फैक्टर क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है, वन बार इक्वल टू कितना होता है 10^5 पास्कल। ठीक है, वन बार इक्वल टू 10^5 पास्कल, और बार भी किसका है, तो प्रेशर का ही एक क्या है, यूनिट है। ठीक है, और मोस्टली क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ही क्या होता है, आपका बार क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, मोस्टली बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो उसके बाद देखो बैरोमीटर जो कंसेप्ट है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या किया गया था, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, इवान नेलेस्टा टॉरेसेली, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के बारे में क्या किया था, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, डिवाइस बनाया था, ठीक है, जो कि बैरोमीटर ही था। तो लेकिन सबसे पहले जो आइडिया थी तो इनकी थी, ठीक है, टॉरेसेली की। वो कब थी, तो आपकी किताब में दिया हुआ 1643 में क्या किया था उन्होंने, ये इंस्ट्रूमेंट क्या किया था, फैब्रिकेटेड किया था। ठीक है, और इसी के अलावा क्या किया था उन्होंने, हम क्या कर सकते हैं इस डिवाइस के साथ एटमॉस्फेरिक मेजर, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, मेजर कर सकते हैं। ये क्या कहा था उन्होंने उस टाइम में, क्या कर दिया था, बताया था। लेकिन सिंपली उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जैसे अब मर्क्यूरी ले रहे हैं हम, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो डिवाइस यूटिलाइज किया था, मतलब बनाया था, उसमें उन्होंने वाटर यूटिलाइज किया था। क्या यूटिलाइज किया था, वाटर यूटिलाइज किया था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है और देखना है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है स्टूडेंट्स, इसको मेजर करने के लिए क्या कर दिया उन्होंने, एक यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसमें मेजर किया जाएगा, तो टॉर में, किसमें, टॉर में। देखो किसमें, टॉर, और टॉर कहाँ से आया, टॉर्सिली ने अपना सरनेम क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज क्या हो गया, टॉर। क्या हो गया स्टूडेंट, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टॉर। ठीक है, तो ये देखो सिंपल क्या है, हिस्ट्री है थोड़ी सी बैरोमीटर के बारे में, ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, बार यूनिट क्यों बना, क्योंकि किलो पास्कल में उसकी वैल्यू बहुत बड़ी आ रही थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, इसलिए उसको एक नया यूनिट बनाया गया, वो कौन सा था, बैरोमीटर, सॉरी बार। ठीक है, और उसी से आप ये क्या ध्यान सकते हो, बैरोमीटर। ठीक है, अब देखो बैरोमीटर की वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, की बैरोमीटर की वर्किंग किस तरह से होती है। ठीक है, देखो स्टूडेंट बैरोमीटर जो है क्या है, सिंपल एक क्या होता है, आपके पास टम्बलर है या फिर डायग्राम निकाली हुई, उसमें क्या भरा होता है, मर्क्यूरी भरा है स्टूडेंट, क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरी क्या है, भरा हुआ है, समझ लो ये मर्क्यूरी है, जिसके ऊपर क्या है, इन्वर्टेड करके एक ट्यूब, ग्लास ट्यूब क्या होगी, यहाँ पे बैठा है होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स ये जो है, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन कहाँ पे की जाती है, यहाँ पे सी लेवल पे, कहाँ पे, जो एटमॉस्फेरिक मेजर किया जाता है स्टूडेंट, ये किया जाता है सी लेवल पे। ठीक है, ये कहाँ पे मेजर किया जाता है, सी लेवल पे। अब देखो स्टूडेंट सी लेवल पे ही क्यों मेजर किया जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे ही क्यों मेजर किया जाता है, उसका एक वन ऑफ द मोस्ट रीजन ये है स्टूडेंट, रीजन ये है कि जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर चले जाएंगे, अल्टीट्यूड पे चढ़ते जाएंगे, तो वहां पे एटमॉस्फेयर क्या है, कम है, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल क्या है, कम है ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता चलता है, कम होता चलता है, गैसेस कंटेंट क्या होती है, कम होती चलती है, बराबर है। तो एटमॉस्फेरिक वहां पे मेजर किया जाता है, वहां पे क्या हो, सबसे ज्यादा डेप्थ हो स्टूडेंट, बराबर है, वहां क्या हो, सबसे ज्यादा डेप्थ हो, और सबसे ज्यादा जो डेप्थ होती है वो कहाँ पे होती है स्टूडेंट, सी लेवल पे होती है। सी मतलब पता है आप लोगों को, समंदर, समंदर का जो किनारा है वहां पे लगभग। ठीक है, तो देखो सी लेवल क्या होगी, जहां पे सबसे ज्यादा डेप्थ है वहां पे क्या किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या किया जाता है, गिना जाता है, मेजर किया जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे प्रेशर क्या होता है, कम होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज क्या होता है, कम होता है। तो मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होता चलता है, कम। इसीलिए हम ज्यादा कहाँ पे, मैक्सिमम रिस्क कहाँ पे है, तो सी लेवल पे है। तो सी लेवल पे डेप्थ ज्यादा है, इसीलिए जो मेजर किया जाता है एटमॉस्फेयर वो कहाँ पे किया जाता है, सी लेवल पे। ठीक है, कहाँ पे, सी लेवल पे, बात ध्यान में रखना। और देखो इसके बारे में भी है, अब तक जो हम हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जा रहा था, अब तक वो पाकिस्तान से मेजर किया जा रहा था, कहाँ से, पाकिस्तान से मेजर किया जा रहा था,
लेकिन अभी 5-6 साल हो गए, अभी हमें क्या हुआ, परमिशन मिल गई है। हम जो हमारे मुंबई है, मुंबई में क्या किया जाता है, सी लेवल पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कुछ काम की नहीं, मतलब काम की नहीं, ध्यान में रखना है सिर्फ सिलेबस से कोई रिलेटेड नहीं। ठीक है, देखो तो वर्किंग ऑफ बैरोमीटर समझने की कोशिश करते हैं। वर्किंग ऑफ बैरोमीटर में स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, देखो ये है मर्क्यूरी, ये है टम्बलर, ये सारा का सारा सेटअप मैंने क्या कहा पे रखा हुआ है, सी लेवल पे रखा है, जहां पे डेप्थ क्या है, ज्यादा है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने सेटअप वहां पे रख दिया, मतलब देखो स्टूडेंट ये ट्यूब है, लेकिन यहाँ पे सराउंडिंग में ऊपर क्या होगा, ये यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, बराबर है, यहाँ पे भी क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो ये एटमॉस्फेयर है तो ये कुछ ना कुछ प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, ये जो आपको आपको यहाँ पे जो लिक्विड दिख रहा है मर्क्यूरी, इस पे क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ क्या कर रहा है स्टूडेंट, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, बराबर है, क्योंकि सराउंडिंग में लिक्विड है तो ऊपर से कुछ ना कुछ प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या होंगी, नंबर ऑफ गैसेस होंगी, और ये गैसेस क्या कर रही होंगी, इसके ऊपर क्या कर रही होंगी, इस मर्क्यूरी के ऊपर क्या कर रही होगी, कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रही होंगी स्टूडेंट, क्या कर रही होगी, प्रेशर एग्जर्ट कर रही होगी। अब ये जो प्रेशर जितना एग्जर्ट करेंगी स्टूडेंट, उतना ही आपका ये U2 जो आपकी ट्यूब है, इस ट्यूब में आपका जो लिक्विड है वो क्या होता चलेगा, राइज होता चलेगा, क्या होता चलेगा, राइज होता चलेगा, बराबर है। अब देख लो, ये समझ लो यहाँ पे राइज हो गया, तो कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, अब देखो ये जो एटमॉस्फेयर है, मतलब ये PATM, इसे क्या बोल दूंगा, PATM मतलब प्रेशर एटमॉस्फेरिक। ठीक है, अब देखो ये हो गया PATM, लेकिन स्टूडेंट हमें पता है कि वाटर भी क्या करता है, प्रेशर को एग्जर्ट करता है, देखा है हमने कि लिक्विड भी क्या करता है, सॉरी मर्क्यूरी, मतलब लिक्विड भी क्या कर रहा है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। अब लिक्विड अगर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है तो ये लिक्विड क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या कर रहा होगा स्टूडेंट्स, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, बराबर है, ये भी उसको अगेंस्ट कर रहा होगा ना। हम बोलते हैं आप पढ़ने वाले न्यूटन लॉ, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बराबर है। तो ये क्या कर रहा है, कुछ फोर्स नीचे ऊपर से लगा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो नीचे से भी क्या कर रहा होगा, हमारा मर्क्यूरी क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, पी लिख रहा है उसका नाम। ठीक है, अब देखो ये लगा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सरफेस, यहाँ पे स्टूडेंट देखो, यहाँ पे अगर मैं इस तरह से पकड़ूं कि ये जो है एक लेवल हो गई है, एक लेवल हो गई, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर हो रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर है, तो ये क्या होगा, ये भी कौन सा होगा, पी होगा, क्योंकि ये भी पी है, ये भी पी है स्टूडेंट। ठीक है, ये भी पी है और ये भी क्या है स्टूडेंट, पी है स्टूडेंट। ठीक है, हाँ, तो देखो ये क्या है, P हो रहा होगा, मतलब स्टूडेंट्स ये भी P प्रेशर, ये भी क्या है, P, बराबर है, लिक्विड जो कर रहा है उसको नाम दे दिया P, बराबर है। तो मतलब ये जो ऊपर वाला होगा वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वल होगा, ये कुछ ना कुछ प्रेशर क्या कर रहा होगा, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा इस लेवल पे, तो ये कौन सा होगा आप लोगों का, PATM। ठीक है, ये क्या होगा, PATM। अदरवाइज सिंपल अगर कंसेप्ट में समझो तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, कुछ लिक्विड आपका जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करने वाला है, प्रेशर एग्जर्ट करने वाला है, और प्रेशर एग्जर्ट करेगा मतलब क्या होगा, यही सरफेस पे प्रेशर लगेगा, इस सरफेस पे प्रेशर लगेगा, तो नीचे का सरफेस प्रेशर लगने के बाद ये लिक्विड क्या होगा, नीचे चला जाएगा, लेकिन उसको जाने के लिए जगह कहाँ पे है, सिर्फ टेस्ट ट्यूब में है, बराबर है, जो ट्यूब है उसमें, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, ट्यूब में राइज हो जाएगा, जैसे हमने देखा कि यूट्यूब मैनोमीटर में हो रहा था, उसी क्या हो जाएगा, ट्यूब क्या हो जाएगा, मैनोमीटर में चला जाएगा, ट्यूब में चला जाएगा लिक्विड, और ये क्या हो जाएगी आपकी कुछ ना कुछ हाइट, यहाँ से क्या होगी, सरफेस से यहाँ से क्या की जाती है, हाइट गिनी जाती है स्टूडेंट्स। और जो आपका पी होता है, ठीक है, मतलब इस तरह से माना कि जो पी है वो आप लोगों का, मतलब इस कंडीशन में उन्होंने माना कि पी एंड पी, ये जो पी है, क्योंकि हमने देखा कि इक्वल क्या करते हैं, अपोजिट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, मतलब जो एच होगा, यहाँ पे जो प्रेशर निकाला जाएगा स्टूडेंट, वो एटमोस्फेरिक प्रेशर किस तरह से निकाला जाएगा, तो सिंपल पी एटमोस्फेरिक प्रेशर निकालना है, मतलब क्या होता है, हमने देखा रो जी एच जो फॉर्मूला था पीछे वाला, यहाँ पे तो रो कांस्टेंट है क्योंकि डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है आप लोगों के पास, एच भी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, और उसके सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, PATM की वैल्यू मिल जाती है, और वो लगभग कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर क्या होती है, होती है स्टूडेंट्स, कितनी होती है, 77 के आसपास क्या होती है आप लोगों की वैल्यू होती है स्टूडेंट। देखो तो ये क्या है आप लोगों का PATM फॉर्म, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें वैल्यू डालो और आप लोगों को क्या, इसके बारे में मैं प्रोजेक्ट के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, और पी एटमॉस्फेयर मतलब क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपल स्टूडेंट। ठीक है,
तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, सिंपल पैरामीटर का क्या वर्किंग है आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरह से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है प्रेशर मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने, और कहां पे मेजर किया जाता है, तो सी लेवल पे क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, तो टॉर क्या होता है, यूनिट होता है। किन्होंने इसको सबसे पहले बताया आइडिया, तो इवन जीनेस्टा टॉर्सेली क्या किया इन्होंने, सबसे पहले आप लोगों का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बारे में क्या किया गया है स्टूडेंट्स, बताया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद कोई चीज देखो, बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को नोज ब्लीडिंग का एक एग्जांपल और एक्स्ट्रा दिया हुआ स्टूडेंट। नोज ब्लीडिंग क्या क्यों होती है, जैसे हम हायर अल्टीट्यूड पे चले जाएंगे तब क्या होगा, वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस होते चलता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर रिड्यूस हो रहा है स्टूडेंट, दैट मींस क्या होता है, हमारा जो बॉडी प्रेशर है वो क्या है, सेम चल रहा था बराबर है जैसे, लेकिन हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या होता है, एकाधिक जो आपकी सेल है, अदरवाइज हम बोलेंगे कि वेंस है, वो क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है। वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, क्या होती है, ब्रस्ट हो जाती है। और वो अगर ब्लड सेल, अदरवाइज ब्लड ब्रस्ट हो गई, सेल ब्रस्ट हो गई, तो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जैसे हायर अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो उनके नोज में से क्या होता है, नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये भी किस वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है, ये एक्टिविटी क्या होती है, मतलब एक्टिविटी नहीं बोलेंगे, ये क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, होती है आप लोगों का नोज क्या होता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, जो हमारा कंसेप्ट बचा था नेक्स्ट रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म हो गया है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो प्रेशर वो क्या है, खत्म हो गया है। आप लोगों को जो चेक पॉइंट है, ठीक है, जितने भी चेक पॉइंट है उसे सॉल्व करके मुझे पर्सनल विंडोज पे क्या करना है, सेंड करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया है, तो चैप्टर में अगर कोई भी डाउट्स है तो क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है।